हेलो एवरीवन, तड़का जिंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है सलगम का रायता। सलगम कितना फायदेमंद है, कितना पौष्टिक है ये, लेकिन फिर भी इसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस समय मार्केट में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, इतनी विविध प्रकार की सब्जियां मिलती हैं कि उनमें से ये चूज करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या बनाया जाए। तो आज मैं सलगम ले आई और मैंने उसका रायता ट्राई किया है। आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट रायता बना इसका। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये। दो सलगम छील के मैंने थोड़े से पानी में इसे प्रेशर कर दिया है और उसके बाद उसे कद्दूकस करके निकाल लिया है। अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, लगभग 1 टीस्पून के करीब आप देख रहे हैं, इसमें राई, हींग और हरी मिर्च कटी हुई, इसका तड़का देना है। सलगम बहुत फायदेमंद है, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला है। आप में से बहुत से लोग इसके फायदे जानते होंगे। इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को बहुत सी नॉलेज नहीं होती है, तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप लोग जो लोग नॉलेजेबल हैं उनको मैं क्या बताऊंगी। चराग को रोशनी नहीं दिखाई जा सकती, सूरज को दिया नहीं दिखाया जा सकता। ठीक उसी तरह से जिन लोगों को नॉलेज है उन्हें नहीं बताया जा सकता। इसमें मैंने थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम, चार पांच, तीन चार काजू लिए हैं, चार पांच बादाम लिए हैं, थोड़ा सा अखरोट मैंने लिया है। इसे थोड़ा सा मोटा मोटा काट के इसे मिर्चे और राई और हींग के साथ इसे मैंने भून लिया है। जब ये भुन जाएगा, ज्यादा देर नहीं भूनना है, उसके बाद शलगम को देखिए कद्दूकस करके मैंने रखा था, पानी इसमें से निचोड़ के निकाल लिया है। इस पानी को मैंने फेंका नहीं है, मैंने अलग सब्जी में प्रयोग कर लिया है, या आप उसको आटे में गूंद के उसका रोटी या पराठा भी बना सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि उसका पानी वेस्टेज नहीं होगा, उस पानी को भी आप यूज कर लेंगे, उसके पोषक तत्व भी कहीं नहीं जाएंगे, आप उसको बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। उसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इसको। मैंने सुना है कि सलगम कैंसर के लिए बहुत फायदेमंद है, वजन घटाने के लिए और आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। मैं भी कभी नहीं यूज करती थी, इस बार मैं भी ले आई हूँ सलगम की, इस बार इसको ट्राई किया जाए। तो एक एक रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ और एक एक रेसिपी आप लोगों से साझा करूंगी। अभी मैंने रायता ट्राई किया है, तो मैं रायते की रेसिपी आप लोगों से साझा कर रही हूँ। इसे भून लेना है। इसे कम से कम 2 मिनट तक अगर आप भूनेंगे तो इसमें एक सौंधापन डेवलप होगा। कलर नहीं चेंज करना है, इसलिए आंच बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, एकदम मध्यम आंच पे मैंने इसे भूना है। भून कर इसे अलग प्लेट में निकाल देना है ठंडा होने के लिए। इसे रख देंगे, जब ये प्रॉपरली अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसको आगे का प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसे पहले भून के निकाल लेंगे, उसके बाद जो रायते में हमें तड़का देना है उस तड़के को भी तैयार करते हैं। ये देखिए इसे पूरा मैंने निकाल लिया इसमें, अब इस प्लेट को रख देना है ठंडा होने के लिए। देखिए कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ उतना ही भूना है मैंने। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे, आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा तेल का प्रयोग कर सकते हैं, आप 1 की जगह 2 टीस्पून का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने मिनिमम ऑयल का ही प्रयोग किया है, ये तो नहीं कह सकती कि नो ऑयल कुकिंग है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि लेस ऑयल कुकिंग है। तो यहाँ पर देखिए तेल ये गर्म हो रहा है, इसके बाद इसमें जो तड़का डालना है वो सारी चीजें मैं वन बाई वन इसमें डालूंगी और उसे एकदम हवा में रखिए, जिससे थोड़ा सा फैलाकर, जिससे वो प्रॉपरली ठंडा हो सके। उसका ठंडा होना बहुत जरूरी है। देखिए तड़के के लिए यहाँ मैंने डाला लगभग 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डाल दिया है। इस जीरे को तड़कने देते हैं, ये थोड़ी देर तड़क जाए अच्छे से, तब उसके बाद आगे की चीजें हम इसमें डालेंगे और उसे ठंडा होने दीजिए। 2 खड़ी लाल मिर्च मैंने डाली है, छोटी छोटी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर आप मिर्च चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। ये देखिए ये सफेद तिल मैंने ली है, जाड़े का दिन है इसलिए सफेद तिल का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास तिल नहीं है तो कोई बात नहीं,
ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, हो तो यूज कीजिए, ना हो तो मत यूज कीजिए। उसके बाद ये थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाली है, थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर देने के लिए, और बहुत बढ़िया इसका स्वाद आया है कसूरी मेथी की वजह से, और भी बढ़िया हो गया है। तो कसूरी मेथी भी डालकर इसे भून देना है। गैस बहुत धीमी है मेरी, मैंने इसे थोड़ा सा तेज किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा धीमी है तो समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें। ये देखिए ये अच्छे से भून रहा है, धीमी आंच पे ही है, आंच बहुत तेज नहीं है। जब ये भून जाएगा तब उसके बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर इसलिए कि थोड़ा सा उससे कलर खिल कर आता है, सिर्फ इसलिए लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग करना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया भून के तैयार हो गई है, तिल एकदम खुशबू आ गई है। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने किशमिश डाली है, इस किशमिश को भी थोड़ा सा भून लेना है। हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसको इंग्लिश में टर्निप कहते हैं, टर्निप बहुत फायदेमंद है, शलगम बहुत फायदेमंद है। और कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आता है तो आप रायता ही बनाकर बच्चों को खिलाइए, बच्चे रायता जरूर मन से खा लेंगे अगर दही खाते हैं तो। इसमें देखिए 2 टीस्पून के करीब कोकोनट पाउडर मैंने डाला है, नारियल का बुरादा मेरे पास हमेशा रहता है तो ये मैंने डाला है। ये देखिए गैस बंद कर दी मैंने, गैस बंद करने के बाद अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। कभी भी गैस ऑन होने की कंडीशन में आप लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि अगर आपने गैस जलते हुए में लाल मिर्च का पाउडर डाला तो वो तुरंत जल जाएगा और पूरा तड़का आपका काला हो जाएगा और कलर बहुत ही गंदा सा हो जाएगा। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखें कि गैस बंद करने के बाद ही डालें। अब देखिए अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये मेजरमेंट से 2 कप मैंने दही ली है, इसे बहुत अच्छे से फेंट लेना है। दही फेंट लेंगे, दही में नमक थोड़ी सी, आप अगर शुगर डालना चाहें तो शुगर डालें। ये देखिए काला नमक है और सादा नमक है, ये 2 नमक मेरे पास हैं, दोनों मैंने डाले हैं। रायते में थोड़ा काले नमक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये पुदीना पाउडर है मेरे पास लगभग 1 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून भुना जीरा है, ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर ना हो, ये तो मैंने घर में बनाया था अपने प्रयोग के लिए। और ये देखिए 2 टीस्पून के करीब गुड़ पाउडर है। हाँ तो मैं कह रही थी कि पुदीने का पाउडर, अगर आपके पास पुदीने का पाउडर, मेरे पास घर में बना हुआ था इसलिए मैंने उसका प्रयोग किया है। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर ना हो तो आप पुदीना की फ्रेश पत्तियां लेकर उसे फाइन चॉपिंग करके डाल सकते हैं। और गुड़ मैंने डाला है 2 टीस्पून के लगभग, अगर आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो तो आप शुगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने शुगर का प्रयोग नहीं किया है, मैं शुगर का प्रयोग बहुत नॉमिनल करती हूँ इसलिए मैंने शुगर का प्रयोग नहीं किया है, मैंने गुड़ डाला है। आप शुगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है तो आप 1 टीस्पून के करीब हनी इसमें ऐड कर दीजिए, लेकिन हनी लास्ट में डालिए। लेकिन बेटर होगा कि अगर आप हनी की जगह शुगर का प्रयोग करें, क्योंकि हनी का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा दही के साथ मिलकर, नमक और दही के साथ मिलकर, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो सेफ है कि नहीं सेफ है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि गुड़ या शुगर का ही प्रयोग कीजिए। ये देखिए रायता बन चुका है, इसे मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। इसे निकाल के जो तड़का मैंने बनाया था वो मिनिमम ऑयल का है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑयल टाइप का नहीं मिलेगा कि हाँ उसमें ऑयल दिख रहा है आपको, उस तरह से वो चीज़ नहीं आएगी उसमें। अब इसमें तड़के को डालते हैं, स्पून से मैं करके डाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, और बनने के बाद इतना स्वादिष्ट लगा है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स और काजू बादाम और अखरोट का टेस्ट टर्निप के साथ, और साथ में उसमें एक गुड़ का मीठापन, सौंधा सा मीठापन, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत लाजवाब बना है ये रायता। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आता है तो बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।